एक बहुत ही बुरी खबर है। हाँ, क्या मुसीबत है यार। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एडवेंचर क्लब गुवाहाटी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका जरूर दीजिए। तथा अस्तु। वन सेकेंड। तो आज मैं जा रहा हूँ डाउकी, बांग्लादेश बॉर्डर भी जाएंगे, जितना हो सके मैं आपको दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगा, तो चलिए मेरे साथ। पिछले बार मैं जब आया था यहाँ पे, ये नदी बहुत भरा हुआ था, अभी पूरा सूख गया। शायद बारिश कुछ दिनों से कम हो रहा है। यहाँ का जो मौसम है आप नहीं बोल सकते हैं कि कब बारिश होगा कब धूप निकलेगा, और ये जगह में तो धूप निकलता ही नहीं होगा शायद। आप लोग शायद देख ही रहा होगा कि आगे से कोई भी गाड़ी आ रहा है तो कुछ नज़र में नहीं आ रहा है अच्छा से, इसलिए स्लो जाना पड़ रहा है। एक बहुत ही बुरी खबर है, मेरा जो टायर है पीछे का वो पंचर हो चुका है। अभी शायद यहाँ से ये लोग बोल रहे हैं कि आधा किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा तब जाके पंचर का दुकान मिलेगा, और ऊपर से शिलोंग में संडे को बंद रहता है, आप लोग देख लीजिए। हाँ, क्या मुसीबत है यार। शिट मैन। किसी तरह मैं ये ट्यूब बांध के यहाँ तक लेके आया हूँ, अभी देखा जाएगा। ये लोग बोल रहे हैं कि टायर नहीं खोल सकता है, तो ये भी परेशानी है। फाइनली मेरी बाइक का जो पंचर है वो ऑलमोस्ट ठीक कर दिया मैंने। मैं खुद टायर खोला फिर लगवाया नहीं, और सिर्फ वो जो पंचर ठीक करता है ना, वो स्टिकर वगैरह लगाता है, वो सिर्फ उन लोगों ने कर दिया है। बहुत टायर्ड हो गया हूँ, कम से कम एक घंटा से फाइट कर करके किसी तरह काम कंप्लीट किया। हाँ, भगवान जो करेगा ठीक करेगा, बस किसी तरह मुझे घर भी वापस जाना है। अभी जाएंगे नहीं नहीं गुवाहाटी नहीं जाएगा, इतना मेहनत करने के बाद नहीं जाएगा। छोटा छोटा पत्थर को। हाँ, वही मेरा एक्चुअली टायर कट गया था, बहुत पतला हो गया था, अभी ठीक कर दिया है भैया लोग ने, हेल्प भी कर दिया है। ये लोकल है यहाँ का, बहुत मदद किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एकदम। और YouTube में आपको ज़रूर देखेंगे, पूरा ऑल वर्ल्ड देखेंगे। थैंक यू। बारिश हो रहा है फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं आपको सिर्फ जगह दिखाने के लिए ही कर रहा हूँ, अभी गिरने वाला ही था मैं। सच ए ब्यूटीफुल रोड मैन, सच ए ब्यूटीफुल। चलो हो गया, अभी नहीं तो मेरा मोबाइल खराब हो जाएगा। तो गाइज मैं फाइनली डाउकी पहुंच चुका हूँ, यहाँ से नज़ारा जो है बहुत ही खूबसूरत है, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं अभी एकदम बॉर्डर एरिया में हूँ, बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर में हूँ।
एज यू कैन सी दैट प्लेस, एक्चुअली मैं अभी पूरा बॉर्डर एरिया में हूँ, उस साइड में बांग्लादेश और इस साइड इंडिया। जैसे कि आप देख सकते हैं वो जॉइंट वाला पत्थर है, वहाँ से लेके इस साइड में इंडिया पड़ता है और उस साइड में बांग्लादेश। और आप लोग शायद बांग्लादेश से ही होंगे शायद ना? ओके। और ये लोग देखिए, आप देख सकते हैं ये सब फॉरेन कंट्री से है एक्चुअली, नेबर कंट्री। क्या नाम है आप लोग का? हलाल खान। हलाल खान, खान बांग्लादेश में भी है? पठान है? पठान तो नहीं है, खान और पठान अलग अलग है। तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। मैं आपको चारों ओर दिखा देता हूँ। बोटिंग कर सकते हैं आप, 700 रुपीज़ करके पर बोट है। इफ़ यू लाइक टू बोटिंग देन यू कैन। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं अभी, आप देख सकते हैं। वो सब बांग्लादेश का दुकान है क्या? हेलो, नहीं है। अच्छा 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 समझ गया, समझ गया। मतलब बॉर्डर क्रॉस करना अलाउ नहीं है, बांग्लादेश आप नहीं जा सकेंगे। अगर आपके पास वीज़ा है तो लीगली जा सकते हैं, इलीगली आप यू कैन नॉट डू दैट, आप लाइन क्रॉस नहीं कर सकेंगे। तो चलिए, यही था डाउकी, और क्या दिखाएंगे उस तरफ से। मैं व्यू लेने की कोशिश करूँगा ज़रूर। तो मैं अभी फ़िलहाल बोट में चढ़ चुका हूँ, और प्राइस सबका अलग अलग रेट है, तो हमको उस साइड जाना है भैया। तो चलिए मैं आपको पूरा सराउंडिंग दिखाता हूँ। मुझे जाने का मन था, पत्थर बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है वो दिखाना था आपको। हाँ चलिए, डाउकी का खास बात यही है कि आप यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं, और आपका ये जो लोकेशन है ये आप जायज़ा ले सकते हैं, मतलब एंजॉय कर सकते हैं दिस लोकेशन। बहुत इतना तो ऐसा नहीं है कि आप वाव टाइप का प्लेस नहीं है एक्चुअली, बहुत अच्छा है। अगर फ़ोटो में देखने से बहुत अच्छा लगता है, और अगर आप फिज़िकली आते हैं नॉट बैड एक्चुअली। और इतना तेज़ धूप में तो बोटिंग करना बहुत ही परेशानी होती है। यहाँ पे रैपलिंग करने का मज़ा ही कुछ और होगा। रॉक क्लाइंबिंग तो इतना इजी नहीं होगा, मुश्किल होगा, बट प्रोफेशनल लोग कर पाएगा, मेरी बस की बात नहीं है। दिस इज़ द वंडरफुल प्लेस आई एवर सीन इन डाउकी। आदमी लोग बिना क्या है, सब बोतल वोटल इधर ही फेंक देते हैं। डाउकी में आने से ये वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा, बट आप नज़दीक जा सकेंगे जब आपके पास नाव होगा तब। और एक छोटा सा बहुत सारे झरना है यहाँ पे, मगर आप बिना नाव से नहीं आ पाएंगे। उस साइड में मैं जब पिछले बार आया था, उस साइड में मैं था, रात को रहा था टेंट पे। खाटुमकू व्यू दरंग में पड़ता है, जगह का नाम है, बहुत बढ़िया लगा। होल नाइट वहाँ पे स्टे किया, इट्स ऑसम, इट दैट वाज ऑसम एक्चुअली। मुझे उस टाइप का एडवेंचर बहुत पसंद है। और यह है एक छोटा सा झरना, आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे आके नहा भी सकते हैं। इफ़ यू कैन स्विम देन यू कैन कम। सो अभी हम निकलेंगे यहाँ से डायरेक्ट, चलिए बैठ लेते हैं एक बार।
तो गाइज वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बोलिए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत करके मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लाता हूँ और भी आगे भी लेके आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय आई होम, बाय बाय गाइज। यार क्या मुसीबत है, ऐसे ही थकान हो रहा है। फाइनली आई रीच इन माई फेवरेट प्लेस।